हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइट एजुकेशंस। यूनाइट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 6 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको वीडियो लेक्चर्स के फ्री PDFs अवेलेबल हो सकें। अब फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, विच इंडियन वेटरन बॉलीवुड कोरियोग्राफर डाइड ऑफ कार्डियक अरेस्ट एट गुरु नानक हॉस्पिटल, बांद्रा, महाराष्ट्र। किस भारतीय दिग्गज बॉलीवुड कोरियोग्राफर की महाराष्ट्र के बांद्रा स्थित गुरु नानक अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई? तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, डेट इज सरोज खान। सरोज खान जी, जो कि एक बहुत ही मशहूर बॉलीवुड की कोरियोग्राफर थी, डांस सिखाती थी सभी एक्टर्स एक्ट्रेस जो भी होते थे उन सभी को, तो उनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। किस वजह से? हार्ट अटैक की वजह से, कार्डियक अरेस्ट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RBI कंडक्टेड द साइमल्टेनियस परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैच्योरिंग बिटवीन 2027 एंड 2033 एंड सेल ऑफ 182 डे एंड 364 डे ट्रेजरी बिल्स अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर हाउ मच वर्थ ईच। RBI ने 2027 और 2033 के बीच में परिपक्व होने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की एक साथ खरीद की, और प्रत्येक के लिए कितने खुले बाजार संचालन के तहत 182 दिन और 364 दिन के ट्रेजरी बिलों की बिक्री की? तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज 10,000 करोड़ रुपीज़। 10,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियाँ यहाँ पे RBI ने खरीदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, US बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक चिप मेकर इंटेल्स इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल विल बाय 0.39% स्टेक इन विच इंडियन प्लेटफॉर्म फॉर ₹1894.50 करोड़, 1894.50 करोड़ रुपये। अमेरिका स्थित इलेक्ट्रॉनिक चिप निर्माता इंटेल की निवेश शाखा इंटेल कैपिटल ने 0.39% हिस्सेदारी खरीदी, जिसमें भारतीय प्लेटफॉर्म में 1894.50 करोड़ रुपए का होगा। तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं, किसमें इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, डेट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्होंने स्टेक खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who has been announced as the winner of Asian Region Prize as the overall winner of the 2020 Commonwealth Short Story Prize for her story The Great Indian Tea and Snakes? उनकी कहानी The Great Indian Tea and Snakes के लिए उन्हें Commonwealth Short Story Prize के समग्र विजेता के रूप में एशियाई क्षेत्र पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है, ऑप्शन सी इज दी कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को इस पुरस्कार से नवाजा गया है, और कृतिका पांडे जो हैं वो कॉमनवेल्थ राइटर्स ने इनको अनाउंस किया था कि कृतिका पांडे को इसका विनर बनाया जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप अ वर्चुअल मोबाइल क्लासरूम एड मोबाइल मास्टर जी? किस संस्था ने एक आभासी कक्षा सहायता मोबाइल मास्टर जी विकसित की है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ IIT कानपुर, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने यह मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडवर्ड फ्लिप प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिजाइन ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट रीशफल। एडवर्ड फ्लिप जो कि प्रधानमंत्री हैं, जो किस देश के मंत्री की उम्मीदवार सरकार फेरबदल के दौरान उन्होंने इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, डेट इज फ्रांस। फ्रांस जो है उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे एडवर्ड फ्लिप, जिन्होंने सरकार के फेर बदल की एक उम्मीद में अपना इस्तीफा दे दिया। फ्रांस को हम यहाँ पे मैप पे देख लेते हैं कि फ्रांस हमें कहाँ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, यह है इंडिया,
और इंडिया से जब हम नॉर्थ वेस्ट की साइड में जाएंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रांस। फ्रांस के पास में आपको मिलेगा स्पेन, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, ये सब, और यूके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड टू प्रोवाइड ईएमआई बिलिंग ऑप्शंस ऑन डेबिट कार्ड्स विच आर स्वाइप्ड ऑन इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। किस बैंक ने इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग किया है जो डेबिट कार्ड्स पर ईएमआई बिलिंग विकल्प प्रदान करता है और जो कि इनोवेटिव पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर स्वाइप किए जाते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने ये कोलेब्रेशन किया है इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द टूल किट फॉर 6th एडिशन ऑफ द एनुअल क्लीनलीनेस सर्वे ऑफ अर्बन इंडिया, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कंडक्टेड बाय MoHUA। शहरी भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण के लिए टूल किट का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी ने इस टूल किट का शुभारंभ किया है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और इन्होंने यह स्वच्छता सर्वेक्षण टूल किट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केयर रेटिंग्स लिमिटेड इन इट्स रिपोर्ट रिवाइज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 हैज़ प्रोजेक्टेड हाउ मच कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर 2021। केयर रेटिंग लिमिटेड ने अपनी रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए संशोधित जीडीपी विकास अनुमान, चालू वित्त वर्ष 21 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि में बहुत अधिक संकुचन का अनुमान लगाया है, तो यह संकुचन कितना है? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज 6.4%। 6.4% का यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी है उसमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ 17-डे कैंपेन विच विल बी लॉन्च फ्रॉम जुलाई 10 टू जुलाई 26 फ्रॉम द नेशनल हाईवे 20 नियर ITO टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ITO के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 20 से 10 जुलाई से 26 जुलाई तक शुरू किए जाने वाले 17 दिवसीय अभियान का नाम क्या होगा? इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, ये इस अभियान का नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन रशियन इलेक्टोरेट एंड विल बिकम प्रेसिडेंट अंटिल 2036। किसने रूसी मतदाता जीता है और 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, बन जाएगा नहीं बने रहेंगे आएगा यहाँ पे, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो अभी भी राष्ट्रपति हैं रशिया के, वो 2036 तक बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक अनाउंस डैट इट विल ऑफर जिप ड्राइव एन ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन टू इट्स कस्टमर इन 1000 सिटीज़। किस बैंक ने घोषणा की कि वह अपने 1000 शहरों में अपने ग्राहकों को ऑनलाइन तत्काल ऑटो ऋण जिप ड्राइव की पेशकश करेगा? इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डैट इज़ HDFC बैंक। HDFC बैंक ने यह पेशकश की है। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वन द थर्ड पोजिशन ऑन द लीडर बोर्ड एट द 1st एडिशन ऑफ वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 एंड बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन टू सिक्योर ए पोडियम पोजिशन इन द इंटरनेशनल अल्ट्रा साइकिलिंग रेस? वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 के पहले संस्करण में लीडर बोर्ड पर किसने तीसरा स्थान हासिल किया और अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रेस साइकिलिंग दौड़ में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो इनका हम नाम देख लेते हैं। इनका नाम ऑप्शन बी के थ्रू में पता लगेगा, डेट इज़ भारत पन्नू।
भारत पन्नू इनका नाम है। और भारत पन्नू आपको बता दें, ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज़ गिवन इट्स कंसेंट फॉर द कैपिटल एक्विजिशन ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेज ऑफ हाउ मच वर्थ। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दी है, और वो सहमति कितने मूल्य की दी है, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 38,900 करोड़ रुपए, 38,900 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पे सहमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस डेट मराठी राइटर एंड प्ले राइट रत्नाकर मटकरी विल बी पॉस्थमसली ऑनर्ड विद दी नटवर्य प्रभाकर पणशीकर अवार्ड फॉर हिज लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द थिएटर्स एंड आर्ट्स। किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि मराठी लेखक और नाटककार रत्नाकर मटकरी को मरणोपरांत नाट्य पुरस्कार प्रभाकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके जीवन भर के योगदान के लिए है। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ महाराष्ट्र। मराठी से रिलेटेड था तो ऑब्वियसली इसका आंसर महाराष्ट्र ही होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टूडेंट रिसीव्ड द 2020 डायना अवार्ड फॉर अ रिसाइकलर ऐप विच शी डेवलप टू कनेक्ट यूजर विद वेस्ट हैंडलर्स एज अ मेजर टू हेल्प द रैग पिकर्स ऑफ दिल्ली। किस भारतीय छात्र को अपने रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना अवार्ड मिला है, जिसे उसने दिल्ली के रैग पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को अपशिष्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए विकसित किया था। तो इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ फ्रेया ठकराल। फ्रेया ठकराल इनका नाम है जिन्होंने यह ऐप विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक हैज़ ज्वाइंड द पेरिस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम एज एन ऑब्जर्वर। किस बैंक ने पेरिस बेस्ड नेटवर्क फॉर ग्रीन द फाइनेंशियल सिस्टम को एक पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया है। इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियाई विकास बैंक इसका हिंदी में नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हु लॉन्च द ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन का शुभारंभ किसने किया था, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, इन्होंने इस हैकाथॉन को लॉन्च किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाटा, व्हाट इज इंडियाज इंटरनल एक्सटर्नल डेट इन मार्च 2020। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 में भारत का बाह्य ऋण क्या है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ 558.5 बिलियन डॉलर्स। इतना जो है वो एक्सटर्नल ऋण है भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हु गेट्स अ 6 मंथ्स एक्सटेंशन इन हिज टेन्योर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का नाम क्या है जिन्हें अपने कार्यकाल में 6 महीने का विस्तार मिला है, इसका हम करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, डेट इज़ सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू जो है वो NHAI के डायरेक्टर हैं, और इन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से लॉन्च करें, ताकि ज्वाइन करें, ताकि आपको PDFs फ्री अवेलेबल हो, आपको नोट्स और क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।